अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हानियाज़ किचन। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मुतबक। वैसे ट्रेडिशनली इसे मुतबक कहा जाता है एंड कई लोग इसे अंडा चिकन रोटी भी कहते हैं, जो भी आप इसे कह लें। तो सबसे पहले हम तैयारी फिलिंग की कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आज मैं चिकन की फिलिंग तैयार करी हूँ इसके लिए। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल और उसके साथ ही मैं इसके अंदर क्रश किए हुए गार्लिक डाल रही हूँ। प्रेफर्ड यही है कि आप गार्लिक को क्रश कर लें या चाहे तो बारीक बारीक काट लें। गार्लिक डालने के बाद में आप गार्लिक को अच्छे से देखिए भून लीजिए। कच्चेपन की उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए और उसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। गोल्डन कलर आया, हमें उसे जलाना नहीं है बिल्कुल, बस उसकी खुशबू जो है वो अच्छी सी उठ जानी चाहिए। अब जैसे उसमें कलर आ जाए अच्छा सा, अब आप इसके अंदर प्याज जो है वो बारीक काट के इसमें डाल दीजिए। प्याज देखिए मैंने दो मीडियम साइज़ की जो है प्याज ले ली थी और उसे मैंने अच्छा बारीक काट लिया है और उसे मैंने लहसुन में ऐड कर लिया। अब हम इसे लहसुन के साथ में थोड़ा देर पका लेंगे, बहुत थोड़ा देर पकाना है, बस हमारी अनियन जो है वो गुलाबी हो जाए बस। और देखिए जैसे हमारी अनियन गुलाबी हो जाती है, हम इसके अंदर चिकन का कीमा ऐड कर देते हैं। यहाँ मैंने करीब करीब 300 ग्राम जो है वो चिकन का कीमा लिया हुआ था, वो मैंने अपने प्याज के साथ में ऐड कर दिया है। अब उसे मैं भून लेती हूँ अच्छे से। अच्छा, चिकन को भूनते हुए मैं आपको बता दूं कि मैं फ्लेम को जो है हायर साइड पर रखूंगी ताकि मैं उसे फटाफट अच्छे से भून लूं, जितना उसका एक्सेस वाटर है वो जल्दी जल्दी निकल जाए उसका। अब ये देखिए कीमा तो मैंने अच्छे से भून लिया है, अब मैं इसे डाल दूंगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ये मैंने उसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया। अब इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड कीमे को देखिए मैं स्पून से थोड़ा थोड़ा तोड़ते रहती हूँ, वरना वो सारा गट्ठी जैसा हो जाता है। तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा, नेक्स्ट मैं इसके अंदर चॉप किए हुए कैप्सिकम डाल रही हूँ। छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसे काट लिया है और छोटे छोटे डाइसेस की तरह। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको कैप्सिकम नहीं डालना है तो आप ना डालिए। अगर आपको कैप्सिकम के साथ बेल पेपर्स डालने हो रेड वाले तो वो भी डाल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा डाल रही हूँ, मतलब ज़ीरा लिया है मैंने, उसे हल्का सा भून लिया और काफ़ी मोटा जो है मैंने उसे कूट लिया है, वो मैंने इसके साथ में शामिल करके रख लिया। अच्छा, अब साथ में मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। एंड भूनते हुए ही देखिए चिकन है, फटाफट से वो पक जाती है, कोई मसला तो होता नहीं है। अब जैसे चिकन का पानी सूख गया है, आपके चिकन का कीमा अच्छा सा गल गया है, फाइनली हम क्या करते हैं कि हमारे कीमे के अंदर हम आप अपनी चॉइस की कोई भी चीज़ डाल दीजिए, करीब आधा कप, और चीज़ डालने के बाद में स्टफ़ को कर लीजिए बंद, यानी आपकी फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है। अब फिलिंग देखिए मैंने इस तरीके की बनाई है, आप अपनी तरीके से भी फिलिंग बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। 1 किलो मैंने आटा लिया हुआ है और उसके अंदर मैं आधा कप दही डाल देती हूँ। दही के साथ मैं इसमें 2 अंडे शामिल कर दूँगी और अंडे के साथ इसमें मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच पाउडर शुगर, 2 छोटे चम्मच मैंने लिए हुए हैं। और साथ ही इसके मैं 1 छोटा चम्मच नमक डाल देती हूँ और 1/2 छोटा चम्मच इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर का भी डाल देती हूँ। अब मैं इसे अच्छे से गूंद लूँगी। अच्छा, गूंदना कैसे, हल्के गर्म पानी से आप इसे गूंदिए, पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और ठंडा पानी भी ना हो, और पानी रूम टेम्परेचर पे भी नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए। अच्छा, इतना पानी आप इसमें इस्तेमाल कीजिए कि अच्छा सा नरम सा एक आटा तैयार हो जाए। अब मैं एग्जैक्टली आपको उतना अमाउंट तो नहीं बता पाऊँगी कि पानी कितना लगेगा, बिकॉज़ आटे के ऊपर डिपेंड होता है कि वह पानी कितना एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, मैंने यहाँ जो बनाया है, मैंने 1 किलो के हिसाब से मैंने चीज़ें आटे में डाली है। आप चाहें तो आप क्वांटिटी हाफ़ कर सकते हैं, आधी क्वांटिटी बना लीजिए। एंड देखिए सारी लिस्ट जो है, जितनी भी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्वांटिटी के साथ में इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएंगी, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी। एक इसका अच्छा नर्म आटा मैंने तैयार कर लिया है एंड आटे को अच्छा गूंदने के बाद में अब हम इसके मीडियम साइज़ के जो है वो पेड़े बना के रख लेते हैं। अच्छा, पेड़े की साइज़ क्या चाहिए हमें, जैसे हम नॉर्मली पराठे बनाते हैं घर में, बस समझो उतना ही बड़ा जो है आप पेड़ा जो है हमारे मैदे का आप तैयार करके रख लीजिए। अच्छा, ये तैयार करने के बाद में हम इसे करीब करीब 1 घंटा जो है रेस्ट करने छोड़ देंगे। अगर आप इसे कपड़े से ढक रहे हैं तो आप अपने कपड़े को थोड़ा सा वेट कर लें, अच्छे से पानी निचोड़ के फिर इसे ढक दीजिए। अब जब 1 घंटा हमारा हो जाएगा तब हम इसे जो है इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ आप एक बोल ले लीजिए, उसमें 1 अंडा क्रैक कर लीजिए और अंडे को अच्छे से विस्क कर लीजिए। अच्छा, अंडा जब आप विस्क कर लें
तब आप इसके अंदर जो है, हमने जो कीमा तैयार किया हुआ था, कीमे की एक अच्छी सी हमने फिलिंग बनाई थी, हाँ जी हाँ, वो आप इसमें शामिल कर लें। करीब 1 से 1.5 बड़ा चम्मच आप वो जो हमारी कीमे की फिलिंग थी वो आप इसमें डाल लें। अच्छा, साथ ही इसमें हरी प्याज जो होती है वो अच्छी सी वो आप इसके अंदर डाल दीजिए। हरी प्याज की क्वांटिटी आप ज़्यादा डालिए बिकॉज़ वो अच्छी लगती है इसके साथ में, ठीक है। हरी प्याज डाल दीजिए और बारीक कटा हुआ कोथमीर जो होता है यानी हरा धनिया वो भी आप इसमें ऐड कर लें। ये मिक्सचर आप बना के रेडी रखें और जिस किसी भी सरफेस पे आप मुतबक बनाने वाले हैं आप उसके ऊपर अच्छा ऑयल लगा लें एंड अपने हाथों पर अच्छे से ऑयल लगा लें एंड जो आपका पेड़ा है उस पर भी ऑयल लगा लें और इसे अच्छे से स्प्रेड करना है हमें। आप चाहें तो बेलन के हेल्प से कर सकते हैं, एक रोलिंग पिन की हेल्प से, पर मैं हाथों से करना प्रेफर करती हूँ बिकॉज़ ये मुझे ईजी पड़ता है। अच्छा, अब आप जो है ध्यान से देखिए कि मैं इसे कर कैसे रही हूँ। जो हमारे एजेस हैं यानी साइड पे मैं एकदम पतला कर रही हूँ और जो उसका मिडिल वाला पोर्शन है यानी बीच का जो हिस्सा है उसे हम बहुत हल्का सा मोटा रखेंगे। बहुत मोटा नहीं रखना है, बहुत हल्का सा मोटा रखना है। और हम ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ जो हमारा टॉप मिडिल पार्ट है, जब हम हमारी रोटी को फोल्ड करेंगे, हम मुतबक को फोल्ड करेंगे तो ऊपर लेयर्स आ जाएंगे काफ़ी, और तो वो इवेंचुअली जो है वो मोटा ही हो जाएगा। सो अगर आप बीच वाले हिस्से को पतला कर देंगे तो वो पकाते हुए जो है वो फट भी सकता है। तो जहाँ पे मैं फिलिंग रख रही हूँ इस वक्त, वो हिस्सा बाकी सारे एज वाले हिस्से से यानी किनारे के हिस्से से थोड़ा सा मोटा है। तो इस तरीके से जो अंडे का हमने फिलिंग तैयार की थी वो उसका आधा लगेगा इंशाल्लाह, आपको एक रोटी में उसका आधा ही पार्ट लगेगा। तो समझिए जो हमने अंडे का अभी तैयार किया था मिक्सचर वो आधा हमने इसके ऊपर डाल दिया है और सब तरफ से हम जो है हमारी रोटी को फोल्ड कर लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा पतला जो है वो हमारी रोटी कितनी अच्छी पतली तैयार हुई है। देखिए रोटी थोड़ी बहुत फटना इज़ कम्प्लीटली फाइन, मैंने आपको दिखाया ना, मेरी भी रोटी थोड़ी सी साइड से फट गई थी तो कोई मसला नहीं है। आप इसे अच्छे से बना कर जो है इसे पैक कर लें और फिर एक नॉर्मल सा आप हमारा पैन रख लीजिए। पैन में हमने देखिए थोड़ा सा घी डाल दिया है। अच्छा, अब आपकी चॉइस है, आपको घी ना डालना हो तो प्लीज़ आप तेल डाल दीजिए, बटर डाल लें, कम्प्लीटली आपकी चॉइस है ये। एंड अब जो हमने मुतबक तैयार किया है वो हम हमारे पैन पे रख देंगे और हम इसे मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, अगेन बहुत हाई हम फ्लेम रखेंगे तो जो अंदर हमने अंडा डाला हुआ है वो हल्का सा कच्चा रह जाएगा, जो हमें कच्चा नहीं रखना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ा थोड़ा घी डालिए, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। और यकीन मानिए ये ऊपर का जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है एंड जो अंदर वाली रोटी है वो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो ये क्रिस्पी सा मुतबक अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए एंड मेरे चैनल को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये देखिए कितना अच्छा और कितना अच्छा गोल्डन कलर हमारे मुतबक का तैयार हुआ है। आप इसे सुकून से जो है दोनों तरफ फ्लिप करते हुए आप अच्छे से सेक लीजिए एंड अगर गर्मा गर्म आप खा सकते हैं तो बिल्कुल गर्मा गर्म खा लीजिए, वरना थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। जब तक वो ठंडा होता है मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। मेथड बिल्कुल वही है, हम जो मिडिल पोर्शन है हमारी रोटी का उसे थोड़ा सा मोटा रखेंगे और जो एजेस हैं हमारी रोटी की उसको एकदम पतला कर देंगे, बिल्कुल यू नो वो ट्रांसपेरेंट सा लगना चाहिए। हमारे अंडे का मिक्सचर हम बिल्कुल मिडिल में रखेंगे एंड हर तरफ से हम रोटी को अच्छा सा फोल्ड कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें फ़ोल्ड अलग तरीके से किया, तो देखिए तो फोल्ड आप जो जिस भी तरीके से कीजिए, मकसद ये है कि हमारा मुतबक अच्छे से पैक हो जाना चाहिए। अगेन आप इसे मीडियम फ्लेम पर सेक लीजिए, दोनों तरफ अच्छे से आप इसे सेक लीजिए, अच्छा क्रिस्पी हो जाए। एंड देखिए रमज़ान में तो आप इसे ज़रूर एक बार बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में एंड आप इसे नाश्ते में भी बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है इंशाल्लाह अगर टाइम हो तो। एंड इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इट्स अ वेरी वेरी बिग हिट। हमारे घर में तो खैर इसे सभी बहुत पसंद करते हैं। तो मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। ये अंदर से देखिए अंडा बहुत अच्छा सा पक गया है, ऊपर से हमारी रोटी बहुत क्रिस्पी है, ये बहुत गर्म भी है वैसे। देखिए आप तो समझ सकते होंगे कि ये कितना गर्म है, मुझे टिश्यू से पकड़ के इसे काटना पड़ रहा है।
तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए एंड मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए कि आपको ये रेसिपी जो है कैसी पसंद आई, आपने बनाया तो बनी कैसी, अच्छी बनी नहीं अच्छी बनी, आपको कोई डाउट्स है रेसिपी के बारे में, तो आपका फ़ीडबैक आता है तो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए एंड मेरे चैनल पर बने रहिए एंड इंशाल्लाह मैं और भी बेहतरीन रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी आपके लिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।